बापू की सीख। यह चित्रकथा बापू की सीख पर आधारित है। आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? आज मेरे स्कूल में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। आज कौन सी तारीख है? आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन ही गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तुमने गांधी जी का जन्मदिन स्कूल में कैसे मनाया? हम लोगों ने गांधी जी के चित्र के सामने फूल चढ़ाए और प्रणाम किया। तुम्हें गांधी जी के बारे में क्या क्या पता है? आज बहन जी ने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी कहानी सुनाई। अच्छा, तो हमें भी सुनाओ। अच्छा, सुनाता हूँ। एक बार गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई थी और उन्हें दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर वह कैसे सही हुई? गांधी जी ने पुस्तक में पढ़ा था कि बीमारी में नमक ना खाने से लाभ होता है, अतः उन्होंने कस्तूरबा को नमक लेना बंद करने की सलाह दी। नमक के बिना कस्तूरबा को तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। कस्तूरबा ने गांधी जी की बात नहीं मानी और कहने लगी, नमक छोड़ने को आपसे कोई कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। किसी को उपदेश देना बहुत आसान होता है। गांधी जी का विचार था, जो बात दूसरों से कहें पहले उसे स्वयं करना चाहिए। ऐसा करने से ही बात का प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने कहा था कि यदि हमें कोई बीमारी हो और वैद्य किसी चीज को छोड़ने को कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा। उसी में भलाई है। गांधी जी ने कहा कि मैं तुमसे नमक छोड़ने को कह रहा हूँ, तो चलो तुमसे पहले मैं ही इसे 1 साल के लिए छोड़ देता हूँ। फिर क्या गांधी जी ने 1 साल के लिए नमक छोड़ दिया? हाँ, और गांधी जी की इस बात का कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो क्या कस्तूरबा ने भी भोजन में नमक लेना बंद कर दिया? हाँ, और फिर वह जल्दी स्वस्थ हो गई। हाँ हाँ बेटा, ऐसे ही थे बापू। जो कहते थे पहले खुद करते थे। गांधी जी को हम बापू भी कहते हैं, तभी तो पूरा देश आजादी की लड़ाई में बापू के साथ चल पड़ा था। अब मैं भी आजादी में लड़ने वाले और दूसरे नेताओं की कहानी तुमको सुनाती हूँ। हाँ माँ, सुनाओ ना, बड़ा मजा आएगा।